शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 358 केंद्रों पर 32,500 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 19,220 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 12,787 लोग शामिल रहे, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में प्रथम डोज 99.17%, दूसरा डोज 74.24%, बूस्टर डोज 94% तथा 15 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को 78% तक वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव होने से पहले 100% वैक्सीनेशन करा लें, ताकि इस महाअभियान में भाग ले सकें और वैक्सीनेशन कराने के बाद 100% मतदान करने की सौगंध लें और खुद मतदान करें और अपने परिवार को भी मतदान करने में जागरूक करें। उन्होंने बताया कि विकलांगों के लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था कर रखी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, मोबाइल नंबर पता है? सत्ताईस का तुम्हारा जो है 18 आ गया है। हाँ, आज हमारे यहाँ 374 स्थानों पर टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों के सतत प्रयास से हम प्रथम खुराक जो है 99.87% लगा चुके हैं और द्वितीय खुराक 74.24% लगा चुके हैं। 60 साल के ऊपर के लोगों को 94% लगा चुके हैं। प्रकाशन डोज हम 94% लगा चुके हैं और 15 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चों को 78% लगा चुके हैं। आप लोगों से चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी चुनाव में लगभग 15 दिन बाकी हैं, 100% वैक्सीनेशन करा लें, जिससे कि हम लोग जो है इस महाअभियान में पूरी तरह से अपना भाग ले सकें। और चैनल के माध्यम से करेंगे कि सब लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद 100% मतदान करने की सौगंध लें और खुद मतदान करने जाएं, अपने साथियों को लेके जाएं, अपने परिवार के पते को लेके जाएं। और एक चीज़ और बता दें, अगर कोई ऐसा विकलांग है जो मतदान नहीं करने जा सकता है, उनके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था कर रखी है, उसका लाभ उठाएं, 100% मतदान कराएं।